ईडी समन मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें शराब नीति मामले में कोर्ट की ओर से जारी समन में जमानत मिली है। अदालत ने उन्हें नियमित पेशी से भी छूट दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 1 अप्रैल 2024 को होगी। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा। अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि ईडी की तरफ से पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, वो दिए जाएं। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए 15,000 के मुचलके पर बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा। इसके अलावा अदालत ने 1,00,000 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करने का भी आदेश दिया है। अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि बेल बॉन्ड स्वीकार कर अरविंद केजरीवाल को जाने दिया जाए। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि केजरीवाल को जाने की अनुमति दी जाए और बहस जारी रखी जाए। इस पर ईडी ने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट ने जो समन किया था उस मामले पर जमानत मिली है। दरअसल सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी की 2 शिकायतों पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया था। कोर्ट ने दोनों मामलों में 15,000 के निजी मुचलके और 1,00,000 की श्योरिटी पर जमानत दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के सीएम कोर्ट रूम से बाहर निकल चुके हैं। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को 8 बार समन जारी किया था, लेकिन दिल्ली के सीएम कभी पूछताछ में शामिल नहीं हुए। ईडी के लगातार 5 समन पर पूछताछ में शामिल नहीं होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा में बजट सेशन और विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के कारण 14 फरवरी को वो वर्चुअल मोड अदालत के सामने पेश हुए थे। उसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय कर उनके पेश होने के लिए तय की थी। इसके बीच ईडी ने पूछताछ में शामिल होने के लिए सीएम को 6, 7 और 8 बार भी समन जारी किए। हर बार सीएम ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए और पूछताछ में शामिल नहीं हुए। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम को अभी तक 8 बार समन किया। ईडी ने पहली बार 2 नवंबर 2023 को समन जारी किया, उसके बाद 21 दिसंबर को समन भेजा, फिर 3 जनवरी, 17 जनवरी, 31 जनवरी, 2 फरवरी और 22 फरवरी को समन किया था। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।